गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम अपने नए चैप्टर अर्गोनॉमिक्स या सुकारिकी को स्टडी करेंगे। ये है आपका पेज नंबर 29 पे। इसको और इसके बाद एक उद्यमिता आ रहा है, हम इसको पूरा स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो दो टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर के अंदर, लास्ट दो टॉपिक्स हैं अर्गोनॉमिक्स सुकारिकी और उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सुकारिकी समझने की कोशिश करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इजी है लेकिन बच्चों को पता नहीं क्यों समझ नहीं आता, बट इतना इजी कॉन्सेप्ट है, शायद आप लोग ध्यान नहीं देते अच्छे से इसलिए। ठीक है, सुकारिकी देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या चल रहा है। सुकारिकी कार्य को सुगम मतलब सरल या अच्छा बनाने की जो भी टेक्निक्स होती हैं वो होती हैं, या जो भी साइंस होती है उसके पीछे उसकी जो स्टडी होती है वो होती है सुकारिकी। सुकारिकी सिंपल शब्दों में बोलें तो कार्य को सुगम बनाना, इजी बनाना। ठीक हो गया, ये तो आ गया सुकारिकी। अब इसको थोड़ा प्रॉपर अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन में जाएँ तो इसका मतलब ये होता है कि सुकारिकी मतलब क्या होता है। सुकारिकी वो साइंस होती है, वो विज्ञान होता है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, मनुष्य किसी भी कोई भी वर्क एरिया पे। बच्चों अच्छा है, अब कोई भी इंसान जब काम करता है ना तो उसमें कौन कौन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक वो इंसान जो काम कर रहा है, दूसरा उसके द्वारा यूज़ किए जाने वाले उपकरण या मशीन। अगर टीचर है ना तो यहाँ पे उसके द्वारा कोई मशीन से तो आपको पढ़ाती नहीं है, वो क्या करती है अपनी पेन से पढ़ा रही है, चेयर टेबल में बैठ करके पढ़ा रही है। तो टीचर के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं होना, है ना। सिमिलरली कोई मैकेनिक है, किसी का गैराज है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, जो पेंच वो होते हैं क्या बोलते हैं, पेचकस हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, और भी जो बहुत सारे उपकरण होते हैं उनके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। अगर कोई मेड किचन में खाना बनाती हैं, जो आपके घर में काम करने वाली मेड्स आती हैं या आपके मम्मी लोग ही हैं, तो उनके लिए मशीन या उपकरण क्या हो गए। किचन में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, बर्तनों से लेकर के चाकू, जो भी उनको खाना बनाने में हेल्प कर रही है, मिक्सर हो गया, एनीथिंग। ठीक हो गया, ये उनके उपकरण या मशीन आ गए जो एक खाने बनाने वाली, अगर कोई लेडी हैं उनको खाना बनाने में हेल्प जो चीज़ें करती हैं वो उपकरण या मशीन आ गया। और कार्य परिवेश क्या आ गया, जहाँ पर रह करके वो इंसान काम करता है, आ गया समझ में, वो हो गया उसका कार्य परिवेश। फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर है तो उसके लिए क्लासरूम कार्य परिवेश हो गया, एक काम करने वाली अगर मेड है तो उनके लिए किचन कार्य परिवेश हो गया जहाँ पे वो खाना बनाती है। ठीक है, तो सुकारिकी में क्या होता है, हमेशा तीन चीज़ों की स्टडी की जाती है। इन तीन चीज़ों का आपस में एक दूसरे से कैसे ये चीज़ें रिलेटेड हैं, कैसे मनुष्य यानी काम करने वाला इंसान, उसके द्वारा काम किए जाने वाले उपकरण और मशीन काम में लाने वाले हैं ना, जिनकी हेल्प से वो काम कर रहा है वो, और जहाँ पे वो काम कर रहा है कार्य परिवेश, कैसे आपस में रिलेटेड हैं ये तीनों चीज़ें, इसकी स्टडी क्या कहलाती है। इसके बीच का जो संबंध होता है उसके विज्ञान को क्या कहते हैं, सुकारिकी। इनके बीच की जो स्टडी को सुकारिकी कहते हैं, या इनके बीच का रिलेशन क्या है उसकी स्टडी को सुकारिकी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें तीन चीज़ें आ जाएंगी, मानव, मशीन या उपकरण जो वो यूज़ कर रहा है अपना काम करने के लिए, और कार्यस्थल, जिस कार्यस्थल में वो काम कर रहा है, ये चीज़ें आपस में कैसे रिलेटेड हैं, ये सुकारिकी होती है। बहुत इजी समझो, अगर कोई ह्यूमन कोई ऐसे जहाँ पे वो काम कर रहा है उसको आप ऐसे मशीन या उपकरण दे दोगे जो ख़राब हैं तो वो कैसे काम करेगा, है ना, ख़राब भी हैं तो उसका काम ही नहीं होगा। इसके अलावा ऐसे हैं कि कुछ उनमें से कुछ खतरनाक निकल, मतलब माना कोई गैस रिलीज़ हो रही है या कहीं पर कुछ चुभने वाली चीज़ निकली है, चाकू है तो बहुत बेकार, उसकी धार है तो हाथ कट जाएगा, है ना, तो उसके हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाएगी, काम को भी इफ़ेक्ट करेगी, साथ में कार्यस्थल या कार्य परिवेश जहाँ पर वो काम कर रहा है अगर वो भी ढंग का नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी किसी फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में फॉर एग्ज़ाम्पल वो काम कर रहे हैं, तो कार्यस्थल क्या हो जाएगा, जो फैक्ट्री जिस जगह पर वो खड़े होकर काम कर रहे हैं वो उसका कार्यस्थल हो जाएगा। आप सोचो बच्चों, वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स हैं और एकदम खुले वायर्स हैं, नंगे तार बोलते हैं ना जिनको, जिनके बाहर कवरिंग नहीं लगी रहती, तो कभी भी आग लगने का खतरा है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उनका कार्यस्थल अच्छा नहीं है, है ना। सिमिलरली मशीन या उपकरण, जो भी मशीन उनको दी गई है, माना कि वो अच्छी नहीं है, कोई डिफ़ॉल्ट हो गया, उनमें कुछ ख़राब हो गई हैं, तो उनके हेल्थ को भी नुकसान है। और मान तो इसीलिए आपस में इनका रिलेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम समझ पाएँ कि हमें किसी इंसान जब कोई काम कर रहा है तो वो जो मशीन उपकरण यूज़ कर रहा है वो कैसे होने चाहिए, और जो उसका कार्यस्थल जहाँ पे वो काम कर रहा है वो कैसा होना चाहिए, ताकि एक प्रॉपर आउटपुट निकल करके आए, अच्छी तरह से काम भी हो जाए और उस इंसान की सेहत को भी कोई नुकसान ना पहुँचे, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब इसको मैं आपको दो एग्जाम्पल से समझाती हूँ,
पहला एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये समझ लो कि दिस इज किचन, ये किचन है, ऐसे ऊपर ऊपर हल्का हल्का बता दिया है, ठीक है, ये किचन है। अब इसमें ये समझ लो यहाँ पर आप लोगों की स्लैब है, स्लैब मतलब जहाँ पर आपने गैस रखी हुई है, ठीक हो गया, ये गैस रखी हुई है और यहाँ पर बड़ी सी एक विंडो है, ये किचन, ये पूरा किचन है, ठीक है, ये गैस रखी हुई है। यहाँ पर खड़े हो करके जो आपकी मेड हैं, जो आपकी घर में काम करने आती हैं, या आपकी मम्मी, चलो ले लो, ज़रूरी नहीं है मेड, आपकी मम्मी मानव हो गई, यहाँ पर वो खाना बनाती हैं यहाँ पर खड़े होकर, ठीक है। अब सोचो बच्चों, अगर आपने, सबसे पहले हम कार्यस्थल की बात कर लेते हैं, तो उनका कार्यस्थल क्या हो गया, ये किचन हो गया जहाँ पे वो काम करती हैं, ठीक है, स्पेशली ये वाला एरिया। अब आपको कार्यस्थल किसी भी मानव के लिए, अगर प्रॉपरली आपको उनसे काम करवाना है या उनका काम प्रॉपर होए और उनकी हेल्थ को भी नुकसान ना पहुँचे, इसके लिए उनका कार्यस्थल कैसे डिज़ाइन होना चाहिए। अब सोचो आपने किचन ऐसे डिसाइड कर दिया है, यहाँ पे मम्मी खड़े होकर खाना बना रही हैं, ये गैस की स्लैब है, ये है चूल्हा, ठीक, यहाँ पे आप लोगों के घर का सिंक बना दिया आपने, मतलब आपने नहीं, जो भी जिसने भी प्लान किया हुआ है उसने यहाँ पे सिंक बनवा दिया, सिंक मतलब जहाँ बर्तन धोते हैं, ठीक है। अब ये सोचो यहाँ पे रखी हुई है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, यहाँ पे फ्रिज रखी हुई है, और सोचो यहाँ पर आपका है डस्टबिन रखा हुआ है, ठीक है, मतलब पूरे किचन में ऐसे समझ लो, और यहाँ पे आपका कुछ, यहाँ पे बर्तन धो करके रखते हैं सोचो, वो रखा हुआ है, ठीक है, या फिर ये मान लो कि यहाँ पर बर्तन अगर धो करके रखे हुए हैं, ये भी आप मान सकते हो, और ये मान लो कि ये फ्रिज है, चलो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये है आपकी फ्रिज, ये है आपका सिंक जहाँ बर्तन धोते हैं, ये है आपका यूटेंसिल मतलब जहाँ बर्तन रखेंगे धोने के बाद, ये है आपका मेनली कुकिंग एरिया जहाँ पे आप कुकिंग करेंगी वो, और ये है टेबल बड़ी सी बीच में रखी है जहाँ पर चेयर और कुर्सियाँ, सॉरी चेयर प्लेस हुई हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचो बच्चों, ये कार्यस्थल को आप कैसे एनालाइज करोगे, कैसा बना है कार्यस्थल। अब सोचो जो इंसान यहाँ पे काम कर रहा है, आपकी मम्मी को कुछ काम है, मानो उनको सब्ज़ी बनानी है, सबसे पहले वो क्या करेंगी, फ्रिज कहाँ है, इधर से इधर आएंगी, फ्रिज से सब्ज़ियाँ निकालेंगी, सब्ज़ियाँ निकाल के वापस लेकर के जाएंगी एरिया पे, यहाँ पे सब्ज़ियाँ छिलेंगी, काटेंगी, सिंक में आकर के सब्ज़ियाँ धोएंगी, वापस जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर उन्हें डस्टबिन में डालना होगा तो फिर वापस इधर से आकर के वो डस्टबिन में डालेंगी, है ना, डस्टबिन में डालने के बाद वो वापस भले ही इधर से आए। अब सोचो जब वो आ रही है तो बीच में इतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल, इतना बड़ा, तो बार बार उनको इधर उधर करना पड़ रहा है, चेयर बार बार बचना पड़ रहा है, और बहुत बार ऐसा होता है हाथ पैरों में चेयर नहीं लग जाती है, टेबल लग जाता है, तो बड़ी पेन होती है, टकरा रही हैं वो बार बार चीज़ों से, ठीक है, कोई नहीं, फिर वो इधर आ रही हैं, उन्होंने चलो खाना आना बना दिया थोड़ी देर के लिए, आप खाना भी यहाँ पर सर्व किया, खाना खा लिया, उन्होंने सिंक में बर्तन वापस रखे। अब या फिर उनको बीच में काम करने के लिए कोई बर्तन चाहिए तो बार बार उनको इधर से इधर जाना पड़ा, सोचो उनका काम कितना बढ़ गया, उनको एक काम करे खाना बनाने के लिए उनको कितने चक्कर किचन के लग रहे हैं। ये चीज़ ऐसे समझ नहीं आती है, बट आप खुद सोचो बच्चों, सुबह दिन शाम का खाना बन रहा है, इतना सारा खाना बन रहा है, तो उनको कितनी ज़्यादा आफत आएगी, आप खुद सोचो। तो उनकी एनर्जी एक तो वेस्ट हो रही है बहुत ज़्यादा, दूसरा क्या हो रहा है, उनका टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। जो चीज़ आपको, अगर इसको ऐसे ऐसे इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए, ये है किचन थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब आप सोचो यहाँ पर बड़ी सी विंडो थी, ठीक है, ये गैस रखी हुई थी यहाँ पर, और अब सोचो इस किचन को आप कैसे प्लेस करते हो कि आपकी मम्मी का मैक्सिमम टाइम भी सेव हो जाए, उनको थकान ना लगे बार बार इधर उधर करने पे, और अच्छे से वो खाना भी बना लें। तो गैसें प्लेस हो सकती है, ठीक है, गैस के बगल में ही हमारा क्या रखी जा सकती है, यहाँ पे फ्रिज, जो भी उनको सामान चाहिए वहाँ से निकाल सकती हैं। अच्छा, बगल में ही यहाँ पे वो सिंक रख सकती हैं, या फिर चाहे तो, और यहीं पे उसके बगल में बर्तनों का जो रैक रख सकती हैं, और यहाँ पे कोने पे अच्छे से प्रॉपरली टेबल प्लेस कर करके वहाँ पे, जो भी जिस इंसान को बैठना है यहाँ पे खाना। अब आप खुद सोचो, मम्मी को या जो कुक मेड घर में आती हैं, उसने खाना बनाया, उसको फ्रिज से कुछ चाहिए, हरी सब्जियाँ, एनीथिंग चाहिए, उसने ले लिया, मसालों की जो वो होती है वो भी बगल में ही कहीं पे अगर बनी हुई है घर पे, ठीक है, चलो बीच बीच में सिंक में से बर्तन की ज़रूरत हो रही है वो यहीं से ले ले रही है उनको ज़्यादा, तो आपको समझ रहे हो उनका एक तो कितनी एनर्जी सेव हो रही है। अच्छा, जब बार बार ऐसा नहीं है कि उनको कुछ चीज़ लगने का खतरा भी नहीं है, क्योंकि टेबल एक कोने पे प्लेस है आराम से, यहाँ पे सोचो कितना क्रम्बल्ड एरिया है, कितना एकदम हौच-पौच वाला एरिया है ना, तो ये तो कार्य परिवेश, तो उनका कार्यस्थल इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए इंसान का। ये हमने मेड के टर्म पे या जो खाना बनाता है उसके टर्म पे बात की कि किचन एरिया ऐसे प्रॉपर बना होना चाहिए ताकि उसको कम से कम हेल्थ का नुकसान भी हो, कहीं पे कोई दुर्घटना एक्सीडेंट होने के चांसेस ना हो, और दूसरा क्या हो, कार्य भी इजीली हो जाए।
अब दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों हम बात करते हैं मशीन और उपकरण की, ठीक है बच्चों। तो अब दूसरी चीज़ क्या बता रही थी मैं आपको, हाँ ठीक है। तो इस तरह से जो ह्यूमन है उसका कार्यस्थल ऐसे ही हो गया, ठीक है। उसका रिलेशन मतलब अगर अच्छा कार्यस्थल है तो ह्यूमन भी जो आदमी वो भी खुश रहेगा, काम करने में एनर्जी सेव होगी, टाइम सेव होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह अगर होते हैं कभी इधर उधर इतने ऐसे किचन में तो वो भी सेव हो जाएंगे। दूसरा चीज़ मशीन और उपकरण कैसे होने चाहिए। अब जो लेडी हैं उनका ये तो कार्य परिवेश आ गया, अब उनके द्वारा किचन में यूज़ किए जाने वाले मशीन या उपकरण जो हैं तो बच्चों वो कैसे होने चाहिए। वो सबसे पहली चीज़ वो क्या क्या यूज़ करेंगी किचन में आप खुद बताओ। गैस सबसे इम्पॉर्टेंट जो मशीन या उपकरण वो यूज़ करेंगी, उपकरण वो करेंगी गैस। बिना गैस के तो कोई खाना ही नहीं बना सकता है ना। इसके अलावा आ गई चाकू, आ गई आपकी, ठीक हो गया, चाकू आ गई, जो पीलर होता है वो आ गया, और आजकल तो दुनिया भर की चीज़ें आ गई हैं, मिक्सर ग्राइंडर ये जहाँ जैसे मिक्सी और ये सब हो गई, ठीक है। तो ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप सोचो लेडी यहाँ पे काम कर रही है, ये है किचन। अब बच्चों ये सोचो अगर गैस उनकी अच्छा ठीक है मतलब ये वाला एरिया है जहाँ पे बहुत सारे, अगर मशीन की बात करें, अगर जो गैस है, चलो कार्यस्थल अगर आपने अच्छा बना भी लिया है, प्रॉपरली डिज़ाइन कर भी लिया है, लेकिन अगर जो वो गैस यूज़ कर रही है, सोचो अगर कहीं पे लीकेज हो रहा है गैस में, मतलब गैस रिलीज़ हो रही है, तो सोचो कितना खतरा है, आग लगने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, है ना। दूसरी चीज़ कोई चाकू यूज़ कर रही है, बहुत तेज़ धार है या बहुत बेकार धार है चाकू, जो हाथ काटने वाला चाकू है उससे उनको नुकसान होगा। अच्छा मिक्सर ग्राइंडर अगर प्रॉपरली नहीं किसी ने बनाया हुआ है अच्छे से, उसके उसमें कहीं कोई इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट की सॉरी उसकी शॉक की प्रॉब्लम है, कोई करंट वरेंट रखने का इशूज़ है, तो उसमें उनको दिक्कत होगी। आ रहा है समझ में। तो उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मशीन या उपकरण भी क्या होने चाहिए, अच्छे से डिज़ाइंड होने चाहिए ताकि उनकी हेल्थ को कोई नुकसान ना पहुँचे और काम भी अच्छे से हो जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सुकारे की इस एग्जाम्पल से। एक बहुत छोटा दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये इस किताब में भी दिया है एग्जाम्पल पीछे साइड पे। माना कोई टीचर है या माना कोई इंसान है जो चेयर में बैठ करके काम कर रहा है। आप सोचो उसकी चेयर ऐसे डिज़ाइन है, उसकी चेयर ऐसे डिज़ाइन है, ये चेयर है और उसी के बराबर का टेबल है। समझ में आ रहा है यूजुअली क्या होता है। यूजुअली तो बच्चों ऐसा होता है ना, ये टेबल है ठीक है, और चेयर जो होती है ये थोड़ा नीचे होती है इससे, ताकि आप बैठते हो तो आप टेबल में अपनी बुक लेकर के आराम से पढ़ो। आप सोचो कोई भी बच्चा है यहाँ पे, मानव क्या आ गया, कोई बच्चा आ गया, चलो ये एग्जांपल ले लो, किसी बच्चे को स्टडी करनी है तो उसका मानव में क्या आ गया बच्चा, उसकी स्टडी क्या आ गई, उसका सॉरी स्टडी जो रूम आ गया स्पेशली उसको कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ कर रहा है वो, जो रूम आ गया वो क्या आ गया, उसका कार्यस्थल आ गया, और मशीन या उपकरण जो वो यूज़ कर रहा है अपार्ट फ्रॉम बुक्स, किताबों को छोड़ करके, किताबों के अलावा चेयर और टेबल वो यूज़ कर रहा है और पेन वगैरह यूज़ कर रहा है। आप सोचो अगर आपकी कुर्सी जो है, आपकी जो टेबल की हाइट है उसके बराबर ही आपकी कुर्सी की हाइट है, दोनों बराबर लेवल पर है, तो आप कैसे, आप कितना झुकना आपको पड़ेगा अपनी किताब पढ़ने के लिए। आ रहा है समझ में। तो वही, तो अगर उपकरण प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं है, अगर चेयर प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं है, तो आपको कितना झुकना पड़ेगा, बाद में आपके कंधों में दर्द, कमर में दर्द, ये सारी प्रॉब्लम आएगी, आई साइट में भी प्रॉब्लम आती है ज़्यादा झुकने में। इसके अलावा कार्यस्थल, अब बच्चे का कार्यस्थल ऐसा है जहाँ पे प्रॉपर लाइट की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, चलो रात के समय तो आपने फिर भी नाइट बल्ब जला लिया है, दिन के समय प्रॉपर लाइट नहीं है, 24 घंटे आपको बल्ब के अंदर बैठना पड़ रहा है, और बल्ब में भी प्रॉपर वाट का आपने बल्ब नहीं लगाया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा अच्छे से नहीं आ रही है, टेबल लैम्प की लाइट अच्छी नहीं है, उस केस में भी आपको प्रॉब्लम है ना। तो इसीलिए बच्चे का प्रॉपर अगर आप उसको स्टडी करवाना चाहते हो कि उसका अच्छे से पढ़ाई में आउटपुट आए, और साथ में उसकी हेल्थ को, यानी कि कमर का इशू हो रहा है, कंधे का इशू हो रहा है, वो भी हो, तो उसके लिए उसके जो द्वारा जो मशीन उपकरण, उसके चेयर टेबल प्रॉपर होने चाहिए, जो बुक्स हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही इतनी पुरानी बुक आपने बच्चे को दे दी है कि उसमें फॉन्ट ही जो लिखा रहता है उसका प्रिंट ही मिट गया है, वो सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, और जो कार्यस्थल जैसे लाइटनिंग एंड एवरीथिंग वो सब अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आपस में रिलेट, देखो सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर ह्यूमन जो है उसका मशीन उपकरण अच्छा होगा, कार्यस्थल अच्छा होगा, तो खुद ही उसका आउटपुट अच्छा निकलेगा काम करने का, और दूसरा चीज़ उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो आपस में रिलेशन जो होता है, इसकी स्टडी क्या कहलाती है, सुकारे की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सुकारे की।
अब बच्चों इसमें ना ये चीज़ सारी पढ़ लेना। देखो, अर्गोनॉमिक्स या सुकारिकी का मुख्य उद्देश्य ऐसी कार्य परिस्थितियों का निर्माण करना होता है, मतलब ऐसे वर्क एनवायरनमेंट का निर्माण करना होता है जो मानव के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो, कर्मचारियों द्वारा स्वीकार हो। मतलब आप अगर किसी ऑफिस के मैनेजर हो और आप अपने जो कर्मचारी हैं उनके लिए कोई ऑफिस डिज़ाइन करना चाहते हो, ऐसा करो जो उनके लिए सेफ़ हो, कोई उनको नुकसान वहाँ पे ना हो, हेल्थ की कोई इशू ना उनको वहाँ पे हो, कर्मचारियों द्वारा एक्सेप्टेबल, उनके कर्मचारी उसको स्वीकार करें। ये ना होना चाहिए कि यार कैसी गंदी जगह हमें बिठा दिया है, हम नहीं बैठ रहे यहाँ पे, ये वाली चीज़ें नहीं। तो उसके लिए अच्छा सा कुछ डिज़ाइन करो उनके लिए कार्य के निष्पादन की, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं और उसकी उत्पादकता की जितना काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट भी आ रहा है, वो सब अच्छा ही होता है। ठीक है, अगर एर्गोनॉमिक्स अच्छी होती है इसलिए इसका उद्देश्य ही होता है। ये सारा बच्चों आप पढ़ लेना। और एक ना ये चीज़ बहुत आती है, सुकारिकी की डेफिनेशन बहुत आती है। ये हो गई सुकारिकी की डेफिनेशन और ये सब एक्सप्लेनेशन है, ये सब अच्छे से कर लो ना। उसके बाद है सुकारिकी की आवश्यकता, ज़रूरत क्या पड़ी कि एक प्रॉपर, ये तो सबको पता ही है। देखो, पता सारी चीज़ें सबको होती हैं, तो ज़रूरत क्या पड़ी कि एक बहुत बड़ा, यहाँ पे तो सिर्फ सोचो आपका अर्गोनॉमिक्स एक टॉपिक है, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में कल को चले जाओगे लोग इसके ऊपर PhD तक कर रहे हैं, आपको पता है इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये, तो उसकी ज़रूरत क्या पड़ी। अब उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कार्यस्थल, जो आपका वर्क प्लेस है जहाँ पे आप कार्य कर रहे हो, वहाँ पे चोट लगने की संभावना को कम करना है ना, प्रॉपरली डिज़ाइन होगा, प्रॉपरली वो प्लान्ड होगा तो चोट कम लगेगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, मानवीय गलती से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना, अगर ह्यूमन से कोई गलती, अब किचन का ही एग्जाम्पल ले लो, जैसे अगर सोचो कि बच्चों जो वो है गैस है, ठीक है, अगर किसी की आदत है कि गैस को खुला ही छोड़ के वो चली गई, ठीक है, अगर कोई भूलने वाली आदत है, थोड़ा सा भुलक्कड़ किस्म की है अगर, और वो गैस को खुला छोड़ के चली गई, अब आपने किचन बिल्कुल ऐसे बनाया है कि गैस के जस्ट पीछे बड़ी सी खिड़की के ऊपर आपने वो उसके सिल्क और सैटिन के पर्दे लगा दिए, तो सोचो क्या होगा। गलती से भी अगर, या चलो माचिस से उसने गैस जलाई, माचिस फेंकी भी ना तो वो आग पकड़ लेगा। आ रहा है समझ में? तो सुकारिकी के, अगर हम इसको सुकारिकी के नज़रिए से अगर हम इसको स्टडी करेंगे, तो हमको वहाँ पे क्या, पहली बात तो हमें वहाँ पे पर्दे लगाने ही नहीं चाहिए गैस के जस्ट पीछे, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम लगाएं भी तो पर्दों की हाइट छोटी रख दें, मतलब गैस नीचे और पर्दे ऊपर, काफ़ी ऊपर लगा करके, और कॉटन के पर्दे लगाएं क्योंकि वो आग जल्दी नहीं पकड़ते। तो ये सुकारिकी के अंदर, मानवीय गलती से होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना को कम करना, कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाना और उनकी जो भी गलतियां उनसे हो रही हैं वो सब कम करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। सुकारिकी के लाभ भी उतना ही होता है, ठीक है। जो जो सुकारिकी की आवश्यकता, क्यों सुकारिकी ज़रूरी है, वही सुकारिकी के लाभ भी आ जाएंगे। तो ये भी आप पढ़ लेना, इट्स ऑल्सो ईजी। अब है सुकारिकी के महत्व को समझने के लिए उदाहरण, ये वही जो चेयर वाला एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया था, ये है, इसको पढ़ लेना। इसके बाद आ गया आपका उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप। आप उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? उद्यमिता एक नया और नव प्रवर्तक उद्यम, उत्पाद या सेवा स्थापित करने का कार्य है। मतलब कोई भी इंसान जब कोई नई कोई सर्विस स्टार्ट करता है, कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करता है, ठीक है, कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर के आता है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? उद्यमिता बोलते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। और उस इंसान को क्या बोलते हैं? उद्यमी बोलते हैं या एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन जो बनता है। ऐसे लोग क्या करते हैं बच्चों, खुद के दिमाग में उनका कुछ नया आइडिया होता है, वो लेकर के आते हैं और अपना प्रोडक्शन शुरू करते हैं, अपनी छोटी लेवल पे कंपनी, या देखा जाए अपने छोटे लेवल पे बिजनेस शुरू करते हैं और बाद में दूसरों को भी हायर करते हैं, दूसरों को भी वो जॉब नौकरी पे रखते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? जॉब सीकर नहीं होते, जॉब डोनर होते हैं। मतलब ये लोग नौकरी नहीं ढूंढते, ये लोग बल्कि नौकरी क्रिएट करके दूसरों को नौकरियाँ देते हैं। आया समझ में? जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब क्या थे? ये सब एंटरप्रेन्योर ही तो थे। देखो आज कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए। अब दूसरे इनके वहाँ पे रिलायंस खोल दिया है, जियो खोल दिया है, यहाँ सब इनके वहाँ जॉब कर रहे हैं, ठीक है, ये पढ़ लेना। अच्छा, उद्यमियों के क्या लक्षण होने चाहिए? हर एक कोई उद्यमी नहीं बन सकता, उसके लिए जैसे कड़ी मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए। आप सोचोगे घर बैठे बैठे उद्यमी बन जाऊँ तो वो तो होगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा कहीं कभी ये भी होगा, आपका स्ट्रेस आएगा लाइफ में, टेंशन आएगा, नुकसान होगा आपको, तो उस समय कैसे आपको अपना मनोबल नहीं करना है, कैसे स्ट्रेस नहीं आना है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई है, इंटरेस्टिंग है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इनको पढ़ लेना। अब एक ये चीज़ आता है, दो चीज़ में आपका डिफरेंस आ सकता है।
एक उद्यमिता क्या होती है उसकी डेफिनेशन अलग है। उद्यमिता तो बिजनेस एक सॉर्ट ऑफ वो है, ठीक है। सामाजिक उद्यमिता क्या होती है? सामाजिक उद्यमिता अच्छे सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा पर आधारित होती है। मतलब कोई बच्चों कोई बहुत अच्छा सोसाइटी के लिए कोई काम करना चाह रहा है तो वो क्या हो गई? सामाजिक उद्यमिता हो गई। सामाजिक उद्यमिता एक विशेष समूह या व्यापक रूप से समाज कल्याण की भावना तथा उद्यमिता के माध्यम से बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त करने के लक्ष्य तक पहुँचना चाहती है। बेसिकली क्या है सामाजिक उद्यमिता? मतलब किसी कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान कोई एनजीओ है, कोई एनजीओ की मदद करना चाहता है, उनके लिए कुछ काम कर रहा है, तो समाज के लिए जब कुछ करने के लिए आप कोई उद्यमिता करते हो, कोई एंटरप्रेन्योरशिप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो या जो भी प्रॉफिट आपको आ रहा है उससे उनकी भलाई करते हो, तो ये क्या हो जाती है? सामाजिक उद्यमिता। ठीक है, आई होप आपको पूरा चैप्टर अब समझ में आ गया होगा। नाउ दिस चैप्टर इज़ ओवर, दिस कम्प्लीट चैप्टर नंबर 1 इज ओवर। अब आपके आ रहे हैं एनसीईआरटी के पाठ्यपुस्तक प्रश्नोत्तर। बच्चों अब आपका क्या काम है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है और पहले आंसर्स खुद समझने हैं कि क्या हो सकता है, और नहीं समझ में आए तो यहाँ से आंसर्स पढ़ो, नोट्स बनाओ इनके, ठीक है, अपनी कॉपीज़ में नोट्स बनाओ, मल्टीपल एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाओ। एक ये है सेक्स और लिंग, जेंडर और लिंग या जेंडर और सेक्स शब्दों से आप क्या समझते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने बता दिया था। तो आप क्या करो, क्योंकि इस बार आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, तो आप यहाँ से पढ़ो अच्छे से, और हर एक क्वेश्चन से अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकल करके आ रहा है तो उसको नोट करके अपने उसमें लिखो, ठीक हो गया, कॉपीज़ में लिखो, इनको पढ़ो, जो क्वेश्चन समझ नहीं आता उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझसे पूछो। और इसके अलावा ये अतिरिक्त प्रश्नोत्तर, ये तो आपको एनी हाउ करना है। इसमें क्या है, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, आप क्या करो सबसे पहले आंसर मत देखना, सबसे पहले क्या करो, कार्य निष्पादन एवं डैश में सीधा संबंध है तो आप सोचो कि आंसर क्या हो सकता है। और हमेशा क्या करो, एक एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया करो, ठीक हो गया। एलिमिनेशन मतलब आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा कि डैश का उपयोग कार्यस्थल पर उत्पादकता, अच्छा ये अभी अभी पढ़ाया है, डैश का उपयोग कार्यस्थल पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो वैसे तो सुकारी की सबको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है ना, आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, हमेशा आपके एमसीक्यूज में बहुत काम आएगी। एलिमिनेशन मतलब कोई क्वेश्चन जिसका आंसर आपको पता है वो तो बहुत अच्छा, अब कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको आंसर ही नहीं पता होता, तो वहाँ पे आप तुक्का लगाने के बजाय ये सोचो कि गलत आंसर कौन सा हो सकता है, उसको हटाओ तो जो बचेगा वो सही होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी को सुखाड़े की नहीं पता है आंसर, तो डैश का उपयोग कार्यस्थल पर उत्पादकता, मतलब जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ होगा, ये है तकनीकी अक्षमता, मतलब टेक्निकल इनकेपेबिलिटी, अब टेक्नोलॉजी ढंग की नहीं है तो कैसे काम बढ़ेगा, नहीं गलत हो गया। चुनौतियाँ, ज़रूरत से ज़्यादा चुनौतियाँ ही आई जा रही हैं बीच बीच में, चैलेंजेस ही आए जा रहे हैं, तो कैसे काम की उत्पादकता बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, तो दो दो ऑप्शन हट गए। संकट, खतरा आ रहा है तो वैसे उत्पादकता नहीं बढ़ेगी, तो आंसर क्या होगा, सुकारे की। ये होती है एलिमिनेशन मैथड, ये उस केस में यूज़ करते हैं जब आपको आंसर नहीं पता होता, आ रहा है समझ में? तो बच्चों ये तो आपको पता है कि इस बार पूरा जितने 3 चैप्टर शुरू की सॉरी 3 यूनिट्स हैं उससे एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो ये तो आपको ऐसे होने चाहिए ना, इनको पढ़ो उसके बाद अपनी कॉपी में नोट्स बनाओ। क्या करो, कार्य निष्पादन एवं जो भी इसका आंसर है, इसका आंसर आई गेस सभी कुछ होगा, ठीक है, तो कार्य उत्पादन एवं डैश में सीधा संबंध है, तो अगर उपरोक्त सभी तो उसको नोट्स कैसे बनाओगे, कार्य निष्पादन एवं यथार्थता पूर्णतता लागत एवं गति में सीधा संबंध, एक लाइन पर लिख दो। जैसे सुकारी की वाला था कि डैश का उपयोग कार्यस्थल को उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो अपनी कॉपी में नोट्स बना लो कि सुकारी की का उपयोग कार्यस्थल पर उत्पादकता, उसको पढ़ते रहो आपको समझ में आ जाएगा, उसके अंदर भले अंडरलाइन कर दो पता चल जाएगा किताब में ये पूछा था। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, और अब समझ में नहीं आया ना तो मुझसे पूछ लेना, जो चीज़ें नहीं आएंगी ये चीज़ मैं आपको बोल रही थी। अब देखो ये अभी बताओ, मिलान करो फल सब्जियाँ दालें और गेहूँ, ये क्या होती हैं, फल सब्जियां दालें और गेहूँ हमेशा होती हैं नकदी महत्व की फसलें, आर्थिक महत्व की फसलें और नकदी महत्व की फसलें, ठीक हो गया। इसमें जो है आपका क्या बोल रही थी मैं, सॉरी हाँ ठीक है, फल सब्जियां दालें और गेहूँ नकदी महत्व की, मतलब इससे क्या आपको मिलेगा बच्चों, पैसा मिलेगा, बट जो चाय कॉफ़ी इलायची और रबड़ होते हैं ये होते हैं आर्थिक फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस की फसलें होती हैं ये,
अगला आ गया शोला शिल्प। शोला शिल्प कहाँ का फेमस है? शोला आर्ट मैंने बताई थी कहाँ की फेमस है, कुछ याद है आप लोगों को? नारियल शिल्प। अब देखो इसका आंसर शोला शिल्प हमेशा था कहाँ का? उड़ीसा का। और जो नारियल शिल्प था वो कहाँ का फेमस था? केरल का। ठीक हो गया। अब अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? केरला में। इसलिए नारियल जो शिल्प है वो कहाँ का फेमस है? केरला का। ठीक हो गया। उसी तरह से जो शोला शिल्प है वो कहाँ गया? उड़ीसा का। चाय, कॉफ़ी, इलायची एवं रबड़ ये होती हैं आर्थिक महत्व की फसलें और नकदी महत्व की फसलें फल, सब्जियां, दालें एवं गेहूं। ये जो नकदी महत्व है ना, तो इसको मैं एक बार मैं इंग्लिश में देखूंगी, हिंदी में आई एम सो सॉरी मुझे नहीं समझ में आ रहा है व्हाट इज़ दिस कॉल्ड इन इंग्लिश, सो आई विल सी दिस एंड देन आई विल टेल यू। अदरवाइज़ ये तो कन्फर्म है कि दिस इज़ आर्थिक महत्व की फसलें। ठीक है, तो ऐसे आप लोग करो और जब आप वहाँ पे नोट्स बनाओगे ना तो इसके आगे इनके आंसर लिख करके लिख ही लेना, सो दैट आपको याद करते समय इजी हो। बच्चों ये तो आपको एनी हाउ करना है। ये देखो इतने इंपॉर्टेंट 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 चीज़ें आने लग गई हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं लास्ट में आपको, अपनी कॉपी में नोट्स बना करके प्रॉपर, और इनको पढ़ते रहो पढ़ते रहो, याद करते रहो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा अब आता है केस स्टडी आधारित प्रश्नोत्तर। अच्छा, इसकी ना मैं एक काम करूँगी, मैं एक अलग ही क्लास ले लूँगी। ठीक है,